रात में बोले कोई भी रुकाता है और बोलता है भाई दे फोन दे पैसा दे, ऐसा लूटने की कोशिश करते हैं और अपन बोलते कि नहीं है हमारे पास कुछ, तो फिर वो ऐसी सिर्फ गाल को हाथ लगाते हैं ना। हाँ जी, गाली को, ऐसे गाली को हाथ लगाते हैं, जा बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद आप जब निकलोगे तो आपके मुंह से पूरा खून निकलेगा। ये क्या है? कैमरा, हम शूट कर घूमते रहते हैं। बैग चेक हो रही है, हमारे को पंजाब से इतना प्यार मिल रहा है, सेल्फी ले रहे हैं हमारे भाई लोग। और सर हेल्प कोई चीज है? तो ऐसा प्यार है पंजाब में। Hey guys, welcome back to our channel। जैसे हम घूम रहे हैं, हिचहाइकिंग कर रहे हैं भाई के साथ, इसको भी हिचहाइकिंग करने में मजा आ रहा है ना। एक्चुअली हम जाने वाले थे बस से, बट ये बोले हिचहाइकिंग करते हैं, मज़ा आ रही, बोले भाई वो लिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि बस से तो हम जाते हैं, ये जो आपके साथ सफ़र करने का मौका मिल रहा है बहुत मज़ा आ रही है ना, तो इसीलिए हम अभी हिचहाइकिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं कहाँ जगह मिलती है, क्योंकि शाम हो गई है, रात अंधेरा कभी भी हो सकता है। और काफ़ी लोगों से यहाँ पे बात की है हमने मूसा गाँव में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे को बताया कुछ कुछ बातें, और पंजाब को एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मदद मिल रही है। तो अभी हम हैं मूसा गांव में, और मूसा गांव से हम जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन ढूंढने के लिए, अपनी एक रात बिता सकते, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमारे को एक जगह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अगर आप दिल्ली में घूमते हो तो रात के टाइम पे पता है बहुत कुछ होता है, बोलते नोएडा की तरफ है ना, क्या होता है भाई? यार चोर कांग्रेस में किए, हाँ ब्लेड ब्लेड मारते रहते हैं, ब्लेड मारते। हाँ इसने मेरे को एक बात बताई थी, रात में बोले कोई भी रुकाता है और बोलता है भाई दे फोन दे पैसा दे, ऐसा लूटने की कोशिश करते हैं और अपन बोलते कि नहीं है हमारे पास कुछ, तो फिर वो ऐसी सिर्फ गाल को हाथ लगाते हैं ना। हाँ जी, गाली को, ऐसे गाली को हाथ लगाते हैं, जा बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद आप जब निकलोगे तो आपके मुंह से पूरा खून निकलेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा कट जाता है, उनके हाथों में ब्लेड रहता है, ब्लेड लेजर, और उससे वो काट देते हैं ऐसा ऐसा करके, अपने को पता भी नहीं चलता है। तो भाई ऐसा सब है बाहर घूमते हुए, तो आप अगर सोलो ट्रैवलर हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हो सकता है। कोई कोई लोग आपको बोल सकते हैं कि चलो हम आपको घुमा के लाते, इधर दिखा के लाते, तो अगर सोलो ट्रैवलर तो मत जाना भाई, मत जाना, मैं तो बोलता हूँ मत जा, ऐसा नहीं करो, अपने मन की करो, अपनी मन सुनो सबकी, करो अपने मन की, सही बात बोला भाई। सो मजा आ रहा है घूमने में, मजा आ रहा है, पैदल चल रहे हैं तो आराम से जैसे भी जा सकते हैं। राइट है। सो ट्रैवलिंग करना अपने को बहुत पसंद है, होप सो आप लोगों को भी पसंद है, ट्रैवलिंग करो, दुनिया देखो भाई, दुनिया में बहुत कुछ रखा है अपने लिए, बहुत कुछ। पूछते कि भाई आप आपके डिवाइसेस कहाँ चार्ज करते हैं, राइट? तो अभी हम जहाँ पे भी रुकते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मुझे दिखी, तो मैं बैठ जाता हूँ और थोड़ी देर अपने जो डिवाइसेस है चार्ज करता हूँ। आज अभी भी हम जब मूसा में पहुँचे थे तो सिद्धू मूसा वाला सर जो है उनके फ्रेंड के दुकान में हम बैठ के हमारे पूरे डिवाइसेस चार्ज किए ना। हाँ जी। एक दो घंटे उन्होंने बिंदास बिठा बैठो, बोले कोई टेंशन नहीं, चाय नाश्ता क्या होना हो सब चीजें। सो मैं चार्ज करता हूँ जब मुझे कहीं इलेक्ट्रिसिटी दिखी, मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ और चार्ज कर लेता हूँ। कई ढाबे हैं, कई ढाबे में रुक गए वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं, कई लिफ्ट लेते हैं, कोई ट्रक है बस है ट्रैवल से, उसमें चार्जिंग पोर्ट दिखा मैं चार्ज करता हूँ। बट अपनी डिवाइसेस फिर से लेने की याद रखते जाओ, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं कि हम वो डिवाइस भूल के उतर जाते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसलिए मैं अगर लिफ्ट बड़ी है मेरी तो मैं वहाँ पे चार्ज करता हूँ, छोटी लिफ्ट में मैं चार्ज नहीं करता हूँ। अंकल आप किधर जा रहे हो? हाँ, तो आप अगर आज देख तक जा रहे हो तो इनको छोड़ दो ना वहाँ पे, बनी पाओ कहीं। हाँ पूछना कहाँ पे? ओ दू 10-12 किलोमीटर कहाँ चलेंगे। हाँ। चले जाना, और अगर मैं इधर मिला नहीं तो तलमंडी, कहाँ पूछना है? तलमंडी, तलमंडी साहब भी कहने। हाँ। तलमंडी मैं आ जाऊँगा तलमंडी में। ये क्या है? कैमरा, हम शूट कर घूमते रहते हैं ट्रैवल, तलमंडी पूछना है उधर। जब हम सोलो ट्रैवल करते हैं तो हिचहाइकिंग करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बट दो जनों को देख के बहुत कम लोग रुकते हैं। तो मैंने अभी अंकल को रुकाया था, अंकल को बोला इसको छोड़ दो आगे और हमें जाना है तलमंडी, तो मैं इसको बोला भाई को कि तलमंडी पूछना है, अगर मैं मिला नहीं तो तलमंडी में आ जाना। उसके पास फोन भी नहीं, उसका फोन पर्स उसके पैसे हर एक चीज गायब हो गया, बैग ही चोरी हो गई उसकी। खेत देखो यार गाइस कितने प्यारे हैं, वो भाई काम कर रहे हैं वहाँ पे। हेलो भैया, मैं तलमंडी जा रहा हूँ, आप आगे तक छोड़ दोगे? आप जा तलमंडी साहब? हाँ मैं तक चलेगा, थैंक यू। तो लिफ्ट मिल गई, थैंक यू भाई। आपका नाम क्या है? पुनील। बहुत अच्छी लिफ्ट मिली, थैंक यू सो मच भैया। चलो टेक केयर, बाय बाय। और अपना भाई भी यहीं पे खड़ा था, वो देखो आ रहा है।
तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको लेके लिफ्ट लू और इसको पहले बिठाओ, मैं पहले नहीं जाऊँ। अगर मैं पहले जाऊंगा तो उसको लिफ्ट कोई देगा नहीं, मुझे देख के एटलीस्ट कोई ना कोई रुकता है, तो फिर हमें आसान होती है लिफ्ट में। जम गया, कैसा लग रहा है लिफ्ट लेते हुए? सही लग रहा है, मत लेने आ गया। पंजाब के घर देखो गाइस, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिखता है कि पहले एक बड़ा गेट रहता है, फिर अंदर घर रहता है। बहुत से लगता है ऐसे सब घर, है ना? ऐसी होना चाहिए अपने महाराष्ट्र में, बड़ा गेट फिर अंदर घर, मतलब पार्किंग वार्किंग का इशू नहीं। अपने को तो घर के सामने पार्क करने को जगह नहीं देती। इनके घर देखो, बड़े बड़े गेट। कोई है क्या भाई लिफ्ट देने वाला? यहाँ पर एक बोट दिख रहा है, धींगर, धींगर गाँव है इस तरफ। ये छोटा सा कैनल देखो, हाँ ऐसा लग रहा नहा लूँ इसमें। खेती, वाह वाह वाह, क्या बात। तो इसीलिए मैं हिचहाइकिंग प्रिफेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ देखने मिलता है। क्या हाँ भाई, क्या है वो? कुछ तो भी है। हाँ हाँ, राइट राइट, वी से दैट मुंगूस, मुंगूस है, मुंगूस। तो ऐसे देखने मिलता है बहुत कुछ, इसीलिए पैदल पैदल चलो, लिफ्ट लो। भी देखते हैं हम ये देते हैं क्या लिफ्ट। भाई कोशिश कर रहे हैं, पंजाब के रोड बहुत क्लास है भाई, और रोड के साइड में ऐसे केबल्स लगाए गए हैं। बहुत हार्ड एडमिशन ओपन है भाई लोग, इधर मनसा में किसी को भी आना है तो आज नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड। काफी बढ़िया स्कूल लग रही, मेरे सूरज डूबना मत जब तक हमको मिलती नहीं हमारी डेस्टिनेशन, है ना भाई? सही भाई। पानी की प्यास लगी भाई, बहुत भयंकर पानी की प्यास लगी। पानी भी खत्म। अभी हम भर लेंगे कैसे पानी की भी, पानी बहुत जरूरी है अभी। पूरा अपना पेट्रोल खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया शरीर का, बट मजा भाई मजा। अभी आपको मैं बोलता हूँ मजा, बट इसको ही पूछ लो, अभी पहली बार कर रहा है, कैसा लग रहा है? भाई बहुत मजा आ रहा है। तो आपको लगता होगा कि क्यों ऐसा करता है, बट यार ये मेरा नशा है, यू नो, एक नशा ही मिलता है मुझे ये सब चीज़ों से। भैया रुकिए, हमारे लिए रुकिए, किसके लिए? भैया आप किधर जा रहे हो? तलवंडी ओनली, यू गिव हिम लिफ्ट, क्योंकि मुझे मिल जाएंगे लिफ्ट, उसको मिलेंगे, हम साथ में हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। व्हाट इज योर नेम? सुखविंदर मटू। सुखविंदर सर, क्या बात है, बोथ ऑफ यू कम, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। चलो सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर का, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है दो सालों को बिठा के लिफ्ट देना। हेलो सर, सर एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से हूँ, अमित नाम है मेरा। हाँ हाँ सर, प्लीज प्लीज। मुंबई के रहने वाले? नहीं, नागपुर। नागपुर तो यहाँ पे चेकिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, चेक होना बहुत जरूरी भाई अपने इंडिया में, क्योंकि कब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बैग चेक हो रही है अपनी, कभी भी आपको पुलिस लोग या कोई रोकते हैं तो डरने का नहीं, क्योंकि वो अपने अच्छे के लिए है। थैंक यू सो मच। तो हम निकल चुके हैं, सर ने चेक किए बैग, ऐसे अपने बैग में तो सही नहीं, हम तो ट्रैवलर हैं और हेल्प कर रहे हैं, मैं भैया की हेल्प कर रहा हूँ, भैया हम दोनों की हेल्प कर रहे हैं, और जब हम हेल्प कर रहे हैं तो भाई कोई अपने को रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फाइनली सन डूबा भी नहीं और भाई हमें जगह भी मिल गई, मतलब सरप्राइज टाइप लग रहा है मुझे। मैं बोल रहा था आप लोगों को कि अंधेरा होने वाला है, रहने का पता नहीं, और सर बोल रहे कि आप टेंशन मत लो रहने का, वहाँ पे रूम वगैरह सब है। मैं बोला मुझे सिर्फ थोड़ी सी जगह दे दो जहाँ पे मैं मेरा टेंट लगा सकता हूँ, बट हम आपको बाहर सोने नहीं देंगे, वहाँ पे रूम है, आप रूम में सोना, ऐसा सर कह रहे हैं। और ये जो बच्चे है ये हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, इनके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, और स्पेशली थैंक यू टू सर, क्योंकि सर की वजह से हमें रहने के लिए जगह मिली है, थैंक यू सर। सो अगर आपका सपना है तो आप बाहर निकलिए, दुनिया में बहुत लोग, अच्छा काम करिए, गलत मत करिए। मिलते जल्दी, पता नहीं कहाँ, बट मिलेंगे जरूर। बाय बाय, टेक केयर।